मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से राय शुमारी करने के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आशा लकड़ा भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि खट्टर और डॉक्टर के लक्ष्मण विधायकों से वन टू वन चर्चा कर सकते हैं। तीनों पर्यवेक्षक शनिवार को भोपाल आ सकते हैं। बीजेपी नए ओबीसी चेहरे पर विचार कर रही है और यही कारण है कि शीर्ष नेतृत्व ने नए चुने गए ओबीसी विधायकों की पूरी फहरिस्त मांग ली है। पार्टी ने 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। ऑब्जर्वर इसमें विधायक दल के नेता यानी कि सीएम की घोषणा करेंगे। अगर सूत्रों की माने तो आलाकमान मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर ओबीसी चेहरे की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बदलने की स्थिति में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे है। बिल्कुल नया ओबीसी फेस देने पर भी पार्टी में विचार हो रहा है। अगर ओबीसी कार्ड नहीं चला तो इस परिस्थिति में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा।